जब भी किसी व्यक्ति के शरीर पर चोट लग जाती है तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर स्किन हट जाती है और खून भी आने लगता है यह चोट हल्की तथा गहरी दोनों ही प्रकार की हो सकती है हल्की चोट जैसे कि खेलते समय कुछ कार्य करते समय थोड़ी बहुत रगड़ लग जाने के कारण स्किन हट जाती है और बहुत थोड़ी स्किन हटती है उसमें थोड़ा बहुत खून भी निकलता है इसे हल्की चोट कहते हैं जो गहरी चोट है यह किसी आर्टिकल जैसे चाकू कांच किसी प्रकार की कील हो या कोई धारदार वस्तु उससे या एक्सीडेंट हो जाने के कारण या ऑपरेशन के कारण हो जाती है उसे हम गहरी चोट कहते हैं इस स्थिति में स्किन तो डैमेज होती है इसके साथ में ब्लड वेजल्स मसल्स और कभी कभी बोन्स भी डैमेज हो जाती है तो इन दोनों ही प्रकार की जो इंजरी है जो चोट है इन स्थितियों में स्किन का एरिया ओपन हो जाता है वहाँ पे जो जर्म्स है बैक्टीरिया है उनके पन्ने पिने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसी कारण से उस ओपन एरिया पर एंटीसेप्टिक दवाइयाँ लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है स्किन पर अप्लाई करने के लिए जो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हैं वो अलग अलग प्रिपरेशन में अवेलेबल है जैसे कि क्रीम ऑइंटमेंट सोल्यूशन इन सभी प्रिपरेशन को जब जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रयोग लिया जाता है कुछ ज़्यादातर प्रयोग लाई जाने वाली जो स्किन प्रिपरेशन है जिन्हें गाँव पे लगाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं उसमें सबसे पहले सोल्यूशन है जिसमें स्प्रीट तथा H2O2 है

इन्हीं का प्रयोग लिया जाता है कुछ अन्य एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भी अवेलेबल है जिन्हें हम सभी बहुत ही ज्यादा प्रयोग लेते हैं और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का नाम लेते ही, वही हमारे दिमाग में आता है और शायद आपके दिमाग में भी वही दोनों प्रोडक्ट आए होंगे जो कि डेटोल तथा सेविलोन सोल्यूशन जी हाँ दोस्तों ये दोनों सोल्यूशन भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जो गाँव को धोने के लिए तथा गाँव पे जो पार्टिकल्स लग गए हैं उनको हटाने के लिए प्रयोग लिया जाता है जिससे कि गाँव पर किसी प्रकार का जर्म नहीं रहे वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हो अब जब गाँव को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाता है तो उसके बाद में गाँव पर क्रीम या ऑइंटमेंट यह लगाए जाते हैं जिससे कि गाँव जल्दी बढ़ जाए और वहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली जो दवा है वह है पोइडोन आयोडीन यह ऑइंटमेंट तथा सोल्यूशन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है और इसे हम सभी बीटाडिन के नाम से जानते हैं जो इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है और यह कलर में पीली होती इसी कारण से इसे कुछ लोग पीली दवा के नाम से भी जानते हैं इस पोयडिन आयोडिन का प्रयोग मुख्य रूप से जो फ्रेश गाँव होते तुरंत लगी हुई चोट है उनको ठीक करने के लिए लिया जाता है जिससे कि जल्दी से गाँव भर जाए किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं हो इस ऑइंटमेंट के अलावा कुछ अन्य क्रीम भी अवेलेबल है जिसका प्रयोग गाँव पर लगाने के लिए लिया जाता है जिसमें पहली क्रीम है फ्यूसिडिक एसिड क्रीम जिसे आप फ्यूसीडिन क्रीम के नाम से जानते हैं उसके अलावा मोपिरोसिन क्रीम जिसे टी बेक्ड क्रीम या टी बेक्ड ऑइंटमेंट के नाम से जानते हैं नियोमाइसिन क्रीम जिसे आप नियो स्पोरिन क्रीम के नाम से जानते हैं और ये नियोमाइसिन कई बार स्टेरॉइड के साथ कॉम्बिनेशन भी, भी आती है जैसे नियोमाइसिन बेक्लोमेथासोन जिसे, नियो जिसे बेटनोवेट एन के नाम से आप जानते हैं अगली क्रीम है फ्राम क्रीम जिसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है सोफ्रामाइसिन और वन एंड ओनली ब्रांड है जो फ्राम की है और काफी पुराने समय से इस क्रीम का प्रयोग गाँव के लिए तथा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लिया जा रहा है इन सभी क्रीम्स का प्रयोग फ्रेश गांव पर लगाने के लिए तो किया ही जाता है साथ में ही ओल्ड वुंड किसी को हो पुराना गाँव हो उसे ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग लिया जाता है किसी मरीज को थोड़े समय पहले कोई चोट लगी हुई थी और अभी तक वो ठीक नहीं हुई है वहाँ पे हल्की फुल्की पस हो गई हो रेडनेस वहाँ पे रहती है दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए भी यह जो क्रीम से इनका प्रयोग लिया जाता है और इस वीडियो में हम जिन पाँच से सात प्रकार की क्रीम के बारे में तथा एक दो सोल्यूशन के बारे में जानना है उन सभी के बारे में मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाए उन सभी का क्या यूज है किस तरह से वो बनाई जाती है इसका प्रयोग कब लिया जाता है कौन कौन व्यक्ति उनका प्रयोग नहीं ले सकते इसके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारियां सबकी सेपरेट सेपरेट में बनाई हैं तो यदि आप जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसकी प्ले पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल आप जान सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें साथ ही चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जैसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो मुफ्त में देख सके तो अपने दोस्त मोहित दादीस के साथ देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स